मॉर्निंग चिल्ड्रन, माय नेम इज सारिका। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। टुडे आई एक्सप्लेन यू इन मैथ मैरीगोल्ड वर्कबुक। स्टैंडर्ड फर्स्ट, ओपन योर मैरीगोल्ड वर्कबुक। इन लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड इन टेक्स्ट बुक क्लाउड लेसन नंबर 9। आई हैव एक्सप्लेन यू द क्लाउड explanations. Okay, poem. It's a poem of a cloud, black cloud. When the rains come, when the children play in the rains, in the puddles, all that. Okay, now today I will explain you in workbook. So open your workbook, write the correct options A, B, C or D in the box. Okay, we are starting the workbook now. Number one, what is the color of the sky? Now, what is the color of the sky? The color of the sky is black. Blue color. Only the color of the sky is blue color. Okay. Option में आएगा A. Number two, what do the cloud brings? अब cloud क्या लेके आते? बादल क्या लेके आते? The clouds brings rain. R-A-I-N, rain. The clouds bring rain. Number three, when the sky is blue, इट इज़ हॉट। जब बादल एकदम ब्लू कलर के होते हैं तो क्या होता है? गर्मी लगती है, बहुत कड़क धूप होता है। नंबर फोर, व्हेन इट रेन्स इट इज़ कूल। जब बारिश गिरती है तो क्या होता है? ठंडी लगती है ना, कूल। नंबर फाइव, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन इट रेन्स? चिल्ड्रन क्या करते हैं जब बारिश गिरती है? चिल्ड्रन सिंग एंड डांस। क्या करते हैं? नाचते और गाते, बारिश आए करके बारिश के पानी में नाचते हैं, बोर्ड बनाते हैं, है ना। नंबर सिक्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लाउड दैट ब्रिंग्स रेन? अब कलर ऑफ द क्लाउड, कौन सा कलर का क्लाउड होता है जब बारिश आती है? ब्लैक कलर। जब बादल पूरे काले हो जाते हैं तो समझो बारिश आने वाली है। नंबर एट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लाउड व्हेन इट इज़ सनी? सनी मतलब धूप। जब धूप जैसा होता है मौसम तो क्या, कौन सा कलर का क्लाउड होता है? ब्लू कलर का। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। नंबर एट, व्हाट डू यू सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन? रेनी सीजन में स्काई कौन सा कलर का दिखेगा आपको? व्हाट डू सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन? रेनी सीजन में हम क्या देखते हैं? स्काई में क्या देखते हैं बोलो? रेनी सीजन में बारिश तो होती है, काला बादल होता है, और क्या दिखाई देता है हमको? रेनबो, सतरंगी इंद्रधनुष, उसको बोलते हैं रेनबो। नंबर डी। ओके, अब चले गए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 133। राइट वन वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। एग्जांपल, प्राउड क्लाउड। प्राउड का क्या हो गया? ओ यू डी, अपने को दूसरे में भी ज्वाइन करना तो क्लाउड हो गया। ओके, नंबर वन थिंग विंग, थिंग विंग। नंबर टू टूल फूल, टूल फूल या वूल कोई भी आप यूज़ करते, लेकिन डबल ओ एल आना चाहिए उसको लास्ट में। नंबर थ्री, अगेन, अगेन मिलता है फिर से, तो आएगा रेन। अगेन का क्या हो जाएगा? रेन, आर ए आई एन, रेन। इंस्टेंट हैंस होता है, ए एन सी ई, यहाँ पे ए एन सी ई हो गया हैंस। ठीक है, या फाइव, ट्रू ड्यू। ट्रू बोले तो सच, और ड्यू बोले तो ड्यू टाइम होता है, ड्यू डी यू ई ड्यू। Write the correct options A, B, C or D in the box. Number one, the dash is blue. The sky is blue. क्या blue है? Sky. तो आएगा option C. Sky is blue. तो क्या आएगा? Option C. Number two, clouds bring rain. Clouds क्या लेके आते हैं? Rain लाते हैं, तो B. Clouds bring rain. तो क्या आएगा? B. Number three, I like to sing and dance. क्या अच्छा लगता है हमको? Sing करने के बारिश में और dance करने, तो आएगा ऑप्शन डी। नंबर फोर, द मस्कीटोज टोल द टाइगर नॉट टू बी प्राउड, मतलब अपने आप पे बहुत गुरूर मत करो। प्राउड बोले तो डी पी आर ओ यू डी, प्राउड बोले तो गर्व मत करो। नंबर ए। नंबर फाइव, द स्काई इज ब्लू। स्काई कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का। आसमान कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो यह आएगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 134। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। पिक्चर देखो और वर्ड को करेक्ट करो। इट इज़ हॉट, इट इज़ रेनिंग। पहले में क्या है? इट इज़ हॉट, इट इज़ रेनिंग।
सीजन कौन सा है इसमें वो भी बताया, मानसून भी है समर भी है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये रेनी सीजन, तो रेनी पे करो ऐसा क्लाउड। और ये क्या है, रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानसून। तो मानसून पे आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट इज क्या लग रहा है, धूप है, ये क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो क्या हो गया ये समर सीजन, गर्मी का महीना है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ हॉट, हॉट मतलब गर्म, गर्मी। सीजन कौन सा है, समर मतलब गर्मी का सीजन, ओके समर सीजन, जिसमें हम कैरी खाते हैं, शरबत पीते हैं, है ना, जूस पीते हैं। नेक्स्ट इट इज़ रेनी और कोल्ड। अभी ये देखो, ये आपके पास बैठा है तो हम कब बैठते हैं ऐसे, जब हमको ठंडी लगती है, बादल एकदम धुंधला सा होता है और एकदम ठंडा हवा छूटता है, तो क्या होता है इसको, कोल्ड, COLD, कोल्ड, और जल्दी से अंधेरा हो जाता है। सीज़न कौन सा होता है कोल्ड में, विंटर। कौन सा सीज़न होता है वो, विंटर सीज़न इसको बोलते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखो ये वर्ड्स दिए आपको बॉक्स में, विंडी, रेनी, कोल्ड, सनी और क्लाउडी। विंडी बोले तो तूफान, चलो। इट इज ए रेनी डे, कौन सा डे, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, बारिश आ रही है, तो इट इज़ ए रेनी डे, कौन सा डे है, बारिश का। इट इज़ ए सनी डे, देखो हम सनी डे में हम कहाँ जाते हैं, सीशोर पे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, क्यों, ठंडा हवा, ठंडा वातावरण, उतने से क्या होता है आपको गर्मी नहीं लगती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सब करते हैं, तो इट इज़ सनी डे। इट इज़ ए विंडी डे, विंडी डे बोले तो क्या होता है, तूफान, जब एकदम झाड़ के पत्ते, स्प्रिंग बोलते हैं उसको, तूफान बोलते हैं ना, पतझड़ बोलते हैं, जैसे पत्ते सब गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे पत्ते, झूठे पत्ते सब गिर के नए पत्ते आते हैं, उसको बोलते हैं विंडी, स्प्रिंग बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पत्ते झड़ रहे हैं सब, है ना, तूफान जैसा नज़र आ रहा है। ये इट इज़ ए क्लाउडी डे, क्लाउडी डे बोले तो क्या है, ये बादल, बादल काला काले बादल है, इसको बोलते हैं क्लाउडी। जब काले बादल होते हैं तो क्या आता है, बारिश आती है ना। अभी इट इज़ ए कोल्ड डे, कोल्ड डे बोले तो ठंडी। देखो लड़की ने क्या पहना, स्वेटर ऊपर टोपी पहना है ना, तो ये क्या हो गया, कोल्ड डे। ठंडी के सीज़न में हम स्वेटर, मफलर, जैकेट ये सब पहनते हैं ना, इसको बोलते हैं कोल्ड डे, ओके। कम टू नेक्स्ट पेज, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली। अब सेंटेंस केयरफुली पढ़ो, राइट द सेंटेंस नंबर अगेंस्ट द करेक्ट पिक्चर। अब सबसे पहला क्या होता है, बादल आते हैं, राइट, उसके बाद क्या होता है, देर आर ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, ये नहीं होता है, इट इज रेनिंग, सबसे पहला क्या होता है, देर आर ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, राइट, इट इज रेनिंग, फिर बारिश गिरती है ना, पहले बादल दिखाई देते आसमान में हमको काले काले, फिर धीमे से धीमे बारिश आना शुरू हो जाती है। द चिल्ड्रन आर जम्पिंग इन द पडल्स। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं, डांस करते हैं ना, जंप करते हैं बारिश में। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग एंड डांसिंग। द चिल्ड्रन आर सेलिंग बोट, पेपर बोट। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पेपर बोट में पानी, जहाँ पे बारिश की पानी बहुत सही हो जाने के बाद क्या करते बच्चे, पेपर का बोट बना के उसमें तैर डाल देते, जिससे बोट तैरने लगता है ना पानी में। तो नंबर वन है क्लाउड, रेन, फिर नंबर टू है पडल्स, मतलब देखो कीचड़ में, हम जब घर से भाग जाते तो कीचड़ कीचड़ होता है अपने घर में आने तक, है ना, पानी पानी भर जाता सब। नंबर फोर थ्री है बच्चे खेल रहे, देखो बारिश आते हैं बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं, ओके। और नंबर फोर फिर हमको क्या दिखता है, धीमे से रेनबोज नज़र आते हैं, उसमें सतरंगी इंद्रधनुष नज़र आता है, ओके। नंबर फाइव देखो कीचड़ में है ना खेल रहे बच्चे। नंबर सिक्स लास्ट है बोट, पानी में बोट डाल के उसको सेल कर रहे, सेलिंग द बोट, तैर रहा है, देखो उनका बोट दिखाई दे रहा है आपको, पानी में तैर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा करेक्ट पिक्चर। अभी अब नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब केयरफुली पिक्चर देखो, और एस मतलब समर, W मतलब विंटर, और R मतलब रेनी सीजन। तो अभी देखो ये क्या है, स्वेटर,
स्वेटर हम कब पहनते हैं? विंटर में, ठंडी में, तो W लिखना है। कैप, कैप हम कब पहनते हैं? गर्मी में पहनते हैं ना, धूप आता है। और सनग्लासेस, सनग्लासेस कब पहनते? चश्मा गर्मी में पहनते, धूप लगता है आपको तो, है ना, गर्मी लगती है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं? रेनी सीजन में। सॉक्स कब यूज़ करते हैं? सॉक्स तो रेगुलर ही होता है हमारा, रेनी में नहीं पहनते हम, समर में पहनते हैं और विंटर में पहनते हैं ना, समर एंड ज़्यादा करके तो हम विंटर में पहनते हैं, ठंडी लगता है पहनने को, विंटर। रेनकोट, रेनकोट कब यूज़ होता है? रेनी सीजन। ओके, अभी देखो वुलन कैप, वुलन कैप बोले तो स्वेटर के साथ कैप पहनते हैं हम, उसको बोलते हैं वुलन कैप, तो वो विंटर में होता है ना, वूल के साथ, वूल से बना हुआ कैप। ये है हैट, हैट कब यूज़ होता है? समर में। और स्कार्फ कब यूज़ होता है? वो भी विंटर में। ओके, विंटर में, समर में। तो कंप्लीट पेज 131 to 137 इन होमवर्क इन वर्कबुक। तो आज मैंने क्या करा आपको, पेज नंबर 131 से 137 तक वर्कबुक में भी करा दिया, और ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये वर्कबुक में करना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू एंड गुड बाय।